आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र से दिल्ली में तलब, गांधी समेत पूरा विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का आया पहला मामला, 7 वर्षीय बच्चा हुआ संक्रमित। पंजाब में टोल प्लाजा नहीं हुए हैं चालू, रेट बढ़ाने के विरोध में किसान संगठन, धरना हटाने से किया इनकार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, मंत्री असलम शेख ने क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जारी किए आदेश। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या पहुंचे जेपी नड्डा, कहा करोड़ों भारतीय का सपना पूरा हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा सीट अब बीएसपी के खाते में जाती रहती है। वहीं बीएसपी के कदवा नेता ने शुमार पूर्व मंत्री राम अचल राजभर इस विधानसभा सीट से अपनी ताकत का एहसास कराते रहे। इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राम अचल राजभर को और भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा के पूर्वांचल क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र ने बीएसपी के नए प्रत्याशी के रूप में चंद्र प्रकाश वर्मा के नाम की घोषणा कर दिया है। जल्द ही टांडा और कटहरी से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। आदरणीय बहन जी के निर्देश पर जलालपुर विधानसभा क्षेत्र का डॉक्टर राजेश सिंह जी को उम्मीदवार बनाने का काम किया और आज फिर सुबह सुबह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी को अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा विगत वर्षों के चुनाव में किया करती रही, अब की बार भी हम लोग सभी पार्टियों से आगे बढ़ कर के अपने उम्मीदवारों की घोषणा किए हैं। दो विधानसभा कटहरी और टांडा के प्रत्याशियों का चयन बहुत जल्दी करके बहुत जल्दी ही उनके नामों की घोषणा। औरैया में ट्रैफिक पुलिस के चालान और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी की प्रताड़ना से परेशान होकर ऑटो संचालक ने चक्का जाम किया। ऑटो संचालकों ने चक्का जाम करने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे कोतवाल ने समझा बुझा कर सभी ऑटो संचालकों से बात कर जाम खुलवाया। बात को बता दें कि जाम के समय सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालक अपने अपने ऑटो के साथ पहुंचे थे। वहीं पुलिस ने समझा बुझा कर ऑटो चालकों की परेशानी को दूर करने की बात कही है। वजह यही है कि हम जैसे सवारियों को उठाना और मतलब कि छोड़ना ज़्यादातर चौराहे पे ही होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम चौराहे पे कोई सवारी को उतार रहे हैं और हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हमारा कब चालान हो गया है, ठीक है। और हमारे लिए कोई अलग से जगह तो होगी नहीं कि हम सवारी कहीं और उतार जाए या कहीं स्टैंड बना हुआ है कि साइड में जगह दे रखी हो, हमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो हमारी मजबूरी है कि हम तो रोड पे ही सवारी को उतारेंगे। हमारी मांग यही है कि हम लोगों का मतलब जो गाड़ियाँ की मतलब गाड़ियों चालान हर जगह नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग गलत गाड़ी खड़े करे हैं तो चालान कर सकते हैं। अब ये नहीं सवारी उतारी या सवारी मतलब कभी कभी हो सकता है चौराहे से निकले सवारी कोई लड़का आया और बैठ गया आके गाड़ियाँ आपने फोटो खींच लिया। यही मामला है, यहाँ से चौराहे आप जाओ, यहाँ से सवारी लेके जाइए। आप चौराहे नहीं पहुंच पाते हो, सवारी उतारी चालान हो गया पीछे से 1000-2000 दिन है। हम लोग 100 से 200 रुपये 300 रुपये दिन भर कमा पाते हैं और सबसे कम किराया है यहाँ का चौराहे 5-5 रुपये लेते हैं, इससे भी कम क्या होना चाहिए बताओ आप। हड़ताल ये कब तक चलेगी? हड़ताल क्या, जब तक हमको न्याय नहीं।
बलिया में समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित भूमिहार सभा में पूर्व मंत्री नारद राय पहुंचे, जहां कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री नारद राय ने खुले मन से पुलिस वालों की धमकी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो पुलिस वाले सभा में लोगों को पानी पिलाते नजर आएंगे। दरअसल जानकारी मिली है कि सभा में पूर्व मंत्री नारद राय ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति ली थी, उसके बावजूद इस सभा में कोई पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। इसी वजह से पूर्व मंत्री खासा नाराज दिखाई दे रही है। कोई दारू की दुकान से निकल के हमारे माफी में आएगा, बनेगा कि बिगड़ेगा बाद में देखा जाएगा, पहले अपने सम्मान की रक्षा किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पुलिस नहीं है, यहाँ कोई पुलिस देख रहा है, कोई पुलिस दिखाई दे रही है? यही जब बेरा रहेगा तो क्या होगा, दरोगा जी पानी चलाने लगेंगे, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? हम लोगों ने परमिशन लिया माननीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय राजीव राय जी और जिला प्रशासन ने एक पुलिस भी यहां भेजने का काम, इसलिए हमको तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बीते सप्ताह सीडीएस जनरल रावत के चॉपर क्रैश में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स के सूचना के बाद ट्वीट करके जानकारी दी गई। निधन की सूचना मिलते ही देवरिया के रुद्रपुर ग्राम कनहली में दुखी का माहौल है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले ऐसे सदस्य थे जो घटना के बाद जीवित मिले थे। उन्हें बचाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर उनके चाचा दिनेश सिंह ने बताया कि हमें उनके निधन की सूचना मिली है। पाँच बजे तक स्थिति क्लियर होगी, जब गहन खबर करेंगे, उनकी पत्नी से पूछा जाएगा कि कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको डिसाइड करेगा। 5 बजे अभी सैन्य हॉस्पिटल में पार्थिव शरीर उनका है। इस समय हम देवरिया जनपद के कैप्टन वरुण सिंह के घर पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि कैप्टन वरुण सिंह का आज बुधवार को निधन हो चुका है और उनके निधन से गांव में काफ़ी शोक की लहर दौड़ चुकी है। और यहां पे उनके चाचा जी हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी पार्थिव शरीर कब तक यहाँ लाया जाएगा, क्या आगे की उनकी अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। अभी वो बंगलोर में ही उनका पार्थिव शरीर है, सेना अभी डिसाइड करेगी कैसे उनको लाना है, क्या करना है। जब निश्चित हम लोगों को खबर मिल जाएगी तब मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि पार्थिव शरीर को भेजना है। जैसा कि वरुण सिंह के चाचा ने बताया कि अभी सेना के द्वारा जो रणनीति तैयार की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा, उसके अनुसार उनके शरीर के बारे में हम बता पाएंगे। और आपको मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि गांव में काफ़ी शोक की माहौल बना हुआ है, काफ़ी लोग यहां उदास बैठे हुए हैं और उनकी पार्थिव शरीर का लोग इंतजार कर रहे हैं। फतेहपुर की खागा कोतवाली में नशे में धुत पिता ने सोती हुई अपनी 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने लगा, जिसकी चीख पुकार सुनकर उसके परिजन मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ बच्ची को देखकर पुलिस को सूचना दी गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तभी गांव वालों ने देखा, तभी 100 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को कॉल करवा दिया। रात में सोते समय, रात में सोते समय 10 बजे की घटना है। पुलिस ने आकर के देखा तो लड़की ने बयान लिया, तो लड़की ने खुद बताया कि मेरा बाप जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम। खागा जनपद फतेहपुर में एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। लड़की को मेडिकल परीक्षण हेतु भेज दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? जी, मामला बिल्कुल सही है कि फतेहपुर जनपद की बहुत बड़ी जो है शर्मनाक घटना है, जहां पर एक जो है पिता ने अपनी 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया है और बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उसका मेडिकल भी हुआ है। पर अगर देखा जाए तो ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है, उसमें ग्रामीणों ने तो यहाँ तक मांग कर दी कि ऐसे बाप को जो है कहते हैं फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। वहीं पर जो है पुलिस अधीक्षक राजेश
मौके पर पुलिस प्रशासन को भेज करके आरोपी पिता को गिरफ्तार करवा लिया है। जी जी अमरदीप, कब की है ये घटना, कितने बजे की है ये वारदात? देखिए ऐसा है कि ये घटना तो पिछली रात जो है लगभग 10 बजे की है, और ये बताया तो ये जा रहा है कि जो इसका पिता है, इसकी पत्नी की मौत जो है 1 साल पहले हो गई थी, और ये पत्नी ये अपने बच्चों के साथ, ये पीड़िता बच्ची के साथ अलावा जो है 2 बच्चों के साथ और रह करके ये मजदूरी करके भरण पोषण कर रहा था मजदूरी करके। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल परिसर में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। आजादी के 75वें वर्ष को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में रायबरेली अमृत महोत्सव समिति की ओर से राइजिंग चाइल्ड स्कूल के बच्चों ने देश प्रेम भावना से भव्य झांकियां सजाई और भारत माता की दशा पर आधारित नृत्य और नाट्य मंचन के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के सह प्रांत प्रचारक मनोज मौजूद रहे। सह प्रांत प्रचारक मनोज ने कहा कि आजादी की कीमत खास तौर पर युवा पीढ़ी को समझनी होगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को स्वतंत्र करवाने में जिन शूरवीरों ने बलिदान दिया है उनके विषय में जानना सभी का अधिकार है। सहारनपुर में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में निर्माण में अनियमितताओं की खबर पर नगर आयुक्त के एक्शन लिया है। कहा जा रहा है कि नगर निगम ने निर्माण ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। इन खबरों को हमले से प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद नगर आयुक्त ने इस मामले का एक्शन लिया है। जांच में हमने अपने एक्सीएन को भेजा था और उन्होंने मौके पर जाकर के जांच की है, और जांच में गुणवत्ता में कुछ कमियां पाई गई हैं, तो संबंधित जो उनका साइकिल ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, उनको नोटिस भी दिया है और 20,000 का जुर्माना भी किया उनके ऊपर, और उनको ये चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसी गलती पाई गई तो उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड करके उनके खिलाफ FIR कराएंगे। खबर सहारनपुर से है जहां प्राइम टीवी की खबर का असर हुआ है। नगर आयुक्त ने लिया है एक्शन। आपको बता दें निर्माण ठेकेदार को खबर की नोटिस भेजा गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि नगर निगम ने निर्माण ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है, और इन खबरों के हमलों को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद नगर आयुक्त ने इस मामले में एक्शन लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुहेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो सुहेल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या था पूरा मामला जिस पे नगर आयुक्त द्वारा एक्शन लिया गया है? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर प्राइम टाइम में चलाई थी, जिसमें एक सहारनपुर के गलीरा रोड में भारत रत्न जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का एक पार्क है, जिसकी 4 दीवारी और गेट और निर्माण कार्य उसका चल रहा था, जिसके अंदर वहां के जो निवासी थे उनके द्वारा जो है शिकायत की गई थी, और उसमें बताया गया था कि उसमें जो निर्माण सामग्री यूज की जा रही है वो बड़े ही निम्न स्तर की घटिया सामग्री यूज की जा रही है। तो उसके संबंध में हमने एक खबर चलाई थी, जो प्रमुखता से हमने मुद्दा उठाया था, और उसमें हमने नगर आयुक्त सहारनपुर की बाइक ली थी और उनका जो है पक्ष जो है उनका भी रखा था, जिसमें नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने जो है एक जांच टीम बनाकर उसकी जांच कराई थी। अभी जो है हमारी खबर का असर हुआ है, और असर इस हद तक हुआ है कि ठेकेदार के खिलाफ जो है कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की गई है, उसके अलावा जो है 20,000 रुपए का जो है जुर्माना भी उस पर लगाया गया है, और स्ट्रिक्टली उसे एक वॉर्न किया गया है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना उसके द्वारा कारित की जाएगी तो उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा और उसे जो है ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जी श्वेता जी, अभी आगे की कार्रवाई जिस तरीके से अभी नोटिस दिया गया है उस ठेकेदार के लिए, लेकिन जो वहां का जो काम चल रहा था वो काम कब शुरू कराया जाएगा? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, जो हमारी नगर आयुक्त से सहारनपुर से बात हुई थी उसके अनुसार जो है एक्शन को वहां पर जांच के लिए भेजा गया था, और उसने स्ट्रिक्टली जो वहां पर जो है उसे वॉर्न किया था, और जो घटिया सामग्री थी उसे वहां से तुरंत हटवा दिया गया था। अब जो है निर्माण कार्य तो रेगुलर जारी ही रहेगा, लेकिन अब जो है ऑथेंटिक किस्म की जो है सामग्री वहां पर वो प्रयोग में लाई जाएगी। जी श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
संभल में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव के बेटे अखिलेश यादव ने गांव-गांव जाकर झंडे लगाए। विधायक के बेटे अखिलेश यादव ने अपनी सहपाठी के कार्यकर्ताओं सहित गांव-गांव जाकर बाइक रैली निकाली और गांव में समाजवादी पार्टी के लगाए झंडे। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं जहां महंगाई और विकास का मुद्दा रखते हुए कोई यूपी में विकास नजर नहीं आया, इसलिए अब की बार 22 में सपा की ही सरकार बनेगी। झंडा लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज हमारी समाजवादी पार्टी के हमारे नेता गरीब दलित पिछड़े जातियों की आवाज़, शोषित वंचकों की आवाज़ को बुलंद करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की आवाज़ पर हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में हर घर पर झंडा लगाने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग निकले हैं और अपने नेता को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जनता में क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? जनता में महंगाई, बेरोजगारी, पूरी 5 साल कोई विकास कार्य नहीं हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लूट, अराजकता। आगरा के खेरागढ़ विधानसभा के लिए भाजपा ने कुशवाहा राजनीतिक समीकरण को साधा है। पूर्व में 2 बार विधायक रहे भगवान सिंह कुशवाहा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि भगवान सिंह कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि भगवान सिंह कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने के बाद टिकट के अन्य दावेदारों में खलबली मची है। इसी के साथ भाजपा कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भगवान सिंह कुशवाहा ने भाजपा का दामन थामा है। फरुखाबाद में पुलिस अधीक्षक आवाज से ड्यूटी कर लौट रहे सिपाही ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस बल के साथ एएसपी मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की जानकारी पुलिस ने परिजनों को दी। आपको बता दें कि मृतक सिपाही सौरभ यादव सन 2005 में पुलिस सेवा में भर्ती हुआ था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैनपुरी के जनपद के थाना बेवर इलाके में एक व्यक्ति गाड़ी से बैटरी चोरी करते हुए मौके से पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने गांव में ही पुलिस की मौजूदगी में व्यक्ति को सजा दी। आरोपी के सिर पर रेजर से चौराहा बना दिया और उसके साथ बर्बरता की। बाद में पुलिस आरोपी को थाने में लेकर आई। जब अब इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर औरैया से है जहां शिक्षकों के एरियर भुगतान और अवकाश पर पाए गए शिक्षक का वेतन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्राथमिक शिक्षक संघ ने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर तालाबंदी कर विरोध अपना जताया। शिक्षक नेताओं ने बताया कि बीएसए के आदेश के बाद भी सभी ब्लॉक से शिक्षकों के एरियर नहीं बनाए जा रहे हैं और वहीं लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी की तरफ से स्कूल निरीक्षण की गलत रिपोर्ट पेश की गई। जो शिक्षक अवकाश के पर थे उन्हें अनुपस्थित दिखा वेतन रोक दिया। प्रत्यावेदन देने के बाद भी उनका वेतन जारी नहीं किया गया। यही कारण से काफी बार उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद अगर समस्या हल नहीं हुई तो अध्यापकों को तालाबंदी का निर्णय लेना पड़ेगा। जो शिक्षकों का एरियर बकाया है, कम से कम 2-4-5 साल से एरियर बकाया चल रहा है, उसके संदर्भ में आज हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी हमने प्राथमिक शिक्षक संघ ने करीब 15 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 तारीख तक हमारा एरियर कंप्लीट नहीं किया गया तो हम लोग तालाबंदी करेंगे। तो आज ज़िले में सारी बीआरसी पे तालाबंदी का कार्यक्रम है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज बीआरसी बंद कर रखी है। कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे ना कोई।
मथुरा में बीते दिनों रेलवे आरपीएफ कंट्रोल रूम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी थी। अज्ञात व्यक्ति ने कर्नाटक एक्सप्रेस को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। इस सूचना को गंभीर से लेते हुए उच्च अधिकारियों ने टीम को एक्टिव करा दिया और रेलवे स्टेशनों पर कड़ाई से चेकिंग किया जा रहा है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो उत्पन्न होने से इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ट्रेन की प्रत्येक बोगी और शौचालयों के सघनतापूर्वक चेक किया गया। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिले। पूरी तरह से चेकिंग के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। बांदा किसान यूनियन की ब्लॉक अध्यक्ष रश्मि सिंह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि स्कूटी से तहसील किसान नेत्री जा रही थी, तभी अनियंत्रित बाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उन्होंने गंभीर रूप से घायल अवस्था में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभी पुलिस द्वारा एक 40 वर्ष की महिला जो है लाई गई, एक्सीडेंट हाल में गंभीर हालत में लाई गई और ये जसपुरा की रहने वाली हैं और इनका एक्सीडेंट पैलानी के पुल के पास हुआ है। वहाँ से पुलिस द्वारा इनको लाया गया है। यहाँ गंभीर हालत में लाई गई थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। बाड़ी को पोस्टमार्टम का ऑर्डर भेज दिया गया है। राजन सिंह, राजन सिंह ये कौन है आपकी? भाभी है मेरी। भाभी, क्या नाम है इनका? रश्मि सिंह। रश्मि सिंह जी। पति का क्या नाम है? मदन सिंह। मदन सिंह। उम्र कितनी होगी इनकी? उम्र होगी वही 35 साल। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? जसपुरा। जसपुरा थाना कौन सा? जी जसपुरा थाना। जसपुरा, क्या घटना हुई इनके साथ, कहाँ जा रहे हैं? थाना जो आ रही थी पैलानी तहसील, तो पैलानी तहसील आ रही थी तो एक्सीडेंट था। गाड़ी एक खड़ी थी, वो दारू पी रहा था जो गाड़ी खड़ी थी, तो ये आई हैं तो बगल में ठेला था, तो ठेला वाला के चक्कर बचाने के चक्कर में गाड़ी में रोकने किया है तो ब्रेक नहीं लगा तो ठोक दिया। भगत पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज रश्मि सिंह का सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसे? आज हमारी मासिक पंचायत पैलानी में, जो कि हर 15 तारीख को हर तहसील में हमारी पंचायतें होती हैं, सभी पदाधिकारी एवं किसान इकट्ठा होते हैं। उस पंचायत में हमारी रश्मि सिंह ब्लॉक अध्यक्षा जा रही थी, स्कूटी से जा रही थी और चार पहिया उधर से लापरवाही से चलाते हुए आया और उसने। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।